तरह से इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, घटना हुई है। अब घटना के संबंध में हम लोग विस्तृत अभी छानबीन कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। सर कितने की रकम? आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर्मेशन पर। एक तरफ जहां बिहार पुलिस लगातार सजग होने की बात कर रही है, कह रही है कि लगातार पुलिसिंग को बेहतर किया जा रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, तो दूसरी तरफ लगातार अपराधियों की तरफ से पुलिस वालों को भी चुनौती मिल रही है। बिहार के सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े 10 लाख रुपए से ज्यादा बैंक से लूट लिए गए हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सीतामढ़ी जिले में बैंक लूट की बड़ी घटनाओं को जो है बदमाश अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने डुमरा थाना क्षेत्र के सिमरा स्थित बंधन बैंक की शाखा से करीब 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इधर घटना की सूचना पर एसपी मनोज कुमार तिवारी, सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार समेत डुमरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की तस्वीर को भी निकाला है। यानी कि लुटेरों द्वारा बैंक में प्रवेश कर कर्मियों को बंधक बनाकर काउंटर में रखे तकरीबन 10 लाख रुपए लेकर के वो फरार हो गए। सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना को लेकर के सीतामढ़ी एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि बंधन बैंक से लूट की घटना हुई है, जिसको लेकर के पुलिस सीसीटीवी के सहयोग से सारे पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। तो आपको सुनवाते हैं पहले ये क्या कुछ कह रहे हैं सीतामढ़ी के एसपी इस पूरे मामले पर। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग आए हैं, हर तरह से इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। घटना हुई है, अब घटना के संबंध में हम लोग विस्तृत अभी छानबीन कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर कितने की रकम है? सर 10 लाख की बता रहे हैं, अभी ये लोग फाइनल नहीं किए, लेकिन 10 के आसपास की बता रहे हैं। तो हम लोग हर बिंदु पे इसमें छानबीन कर रहे हैं। लुटेरे की कितनी संख्या रही है? सीसीटीवी फुटेज में तो 3 दिख रहा है, बाकी अब हम लोग उसमें वेरीफाई करें कितने लोग। तो लगातार बिहार में जो है अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, लगातार दिन दहाड़े इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पटना से लेकर के बिहार के सुदूर तक के जिले में इस तरह की वारदात हो रही है। कहीं पर पुलिस वाले को ही एक तरीके से कहें गोली मार दी जाती, तो कहीं पर दिन दहाड़े जो है जो लोग हैं जो अपराधी हैं वो बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और जाहिर तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि लगातार पुलिस मुख्यालय तमाम जिलों पर नजर रखे हुए है और इस तरह की बड़ी घटनाओं को का उद्भेदन करने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार पुलिस को जो चुनौती मिल रही है उसमें अभी भी ऐसे कई बड़े मामले हैं जिसमें पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।